गुमला शहर के सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। यह निर्देश गुमला डीसी कर्ण सत्यार्थी व एसपी शंभु कुमार सिंह ने दिया। मंगलवार को डीसी एसपी और एसडीओ राजीव नीरज ने जिला व प्रखंड के वरीय अधिकारियों के साथ गुमला शहर के विभिन्न पूजा पंडालों का औचक निरीक्षण किए। श्री बड़ा दुर्गा मंदिर परिसर पहुँचे, जहां अध्यक्ष निर्मल गोयल व सचिव रमेश कुमार चीनी से बातचीत की, साथ ही पूजा समिति की तैयारियों के संबंध में जानकारी लिए। इसके बाद अधिकारियों का दल पटेल चौक में नवयुवक संघ द्वारा बनाए गए पूजा पंडाल के समीप पहुंचा। वहीं ज्योति संघ सीसे रोड में, अरुणोदय संघ पालकोट रोड में शक्ति संघ के पूजा पंडाल का भी निरीक्षण करते हुए पूजा पंडाल के समीप लगाए गए सीसीटीवी कैमरा के संबंध में जानकारी ली। अधिकारियों के निरीक्षण के क्रम में मिला कि कई पूजा पंडालों ने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया है। इस पर डीसी और एसपी ने सभी पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। डीसी ने पूजा समितियों से पंडाल में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए वॉलेंटियर तैनात रखे और पंडाल में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक रूप से सीसीटीवी कैमरा लगाए। उपायुक्त ने अपील किया है कि पर्व को खुशनुमा माहौल में मनाएं। वहीं उपायुक्त ने मौके पर मौजूद नगर परिषद गुमला के प्रशासक को पर्व के दौरान विधि व्यवस्था से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी शंभु कुमार सिंह ने जिन पंडालों में सीसीटीवी कैमरा नहीं पाया, उन्हें उचित जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का सुझाव दिया, ताकि पूजा पंडाल उस कैमरे में आ सके। मौके पर वीडियो अशोक कुमार चोपड़ा, सीओ हरीश कुमार, नगर प्रशासन सार्जन मरांडी समेत कई लोग थे। पूजा पंडालों के निरीक्षण के बाद गुमला डीसी ने रावण दहन समिति के लोगों के साथ बैठक की, साथ ही परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में होने वाले रावण दहन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।